नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कोर कैविटी डिज़ाइन, और आज हम एक छोटा सा मोल्ड का डिज़ाइन भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन मोल्ड अगर बनाना है तो किसका बनाएं? अपन ने अभी तक जो चीज़ देखी है, लास्ट क्लास में हमने जंक्शन बॉक्स का ट्यूटोरियल देखा था, तो जंक्शन बॉक्स को ही अपन एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। सबसे पहले मैं जंक्शन बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ये जंक्शन बॉक्स है मेरे पास, और अब सबसे पहले अपन इसमें दो चीज़ें अपन इंसर्ट करा लेते हैं। एक ज्योमेट्रिकल सेट, इसमें इसको नाम दे देते हैं कैविटी पार्टिंग सरफेस, इंसर्ट करा ली मैंने एक और बॉडी नहीं, मुझे ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट कराना पड़ेगा, और इसका नाम दे देता हूं कोर पार्टिंग सरफेस। ठीक है, अब मोल्ड बनाने के लिए हमको इस बॉडी में से जो हमारा मोल्डेड पार्ट है, इसमें से हमको कुछ सरफेस एक्सट्रैक्ट करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको जनरेटिव शेप डिज़ाइन में स्विच करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कैविटी बनानी है, तो कैविटी बनाने के लिए मुझे कैविटी वाले ज्योमेट्रिकल सेट को डिफाइन करना पड़ेगा, और जनरेटिव शेप डिज़ाइन में मुझे स्विच करना पड़ेगा। ये मेरी वर्क बेंच स्विच हो गई है, और अब मैं एक्सट्रैक्ट कमांड यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं सरफेसेस को। ध्यान से करते रहना आप सरफेसेस को एक्सट्रैक्ट। अगर आप सिंपल एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं तो उसमें आपका एक बार में एक ही सरफेस एक्सट्रैक्ट होगा। अगर आप मल्टीपल एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं तो आप एक बार में मल्टीपल सरफेसेस आप निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बॉसेस को भी मैं निकाल लेता हूं, और ठीक है, इतना करने के बाद टेंजेंट कंटिन्यूटी भी किया। मुझे बस ये ध्यान में रखना कि मेरे से कोई सरफेसेस छूट ना जाए, छूटेंगी तो फिर दिक्कत होगी आगे चल के उसको स्प्लिट करने में। ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक सरफेस एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। अब अगर मैं बॉडी को अगर मैं हाइड करता हूँ, और हाइड करने के बाद मैंने एक आउटर लाइन इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और अब मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ाता हूँ लाइक 100 mm। ये मेरा बेसिकली एक स्प्लिटिंग सरफेस हो जाएगा, सॉलिड से सॉलिड को स्प्लिट करने के लिए मैं सरफेस का यूज़ करूँगा, ताकि मेरा कोर कोर बन पाए। ठीक है, अब मैं बॉडी इंसर्ट करता हूं एक, और इस बॉडी को नाम दे देता हूं मैं, जैसे कोर ठीक। प्लेन को सिलेक्ट करता हूं, स्केच पे क्लिक करते हैं, और कोर बनाते हैं अपन डायमेंशन का 300। पार्ट डिजाइन में जाते हैं वापस से,
पैड करते हैं अपन इसको रिवर्स डायरेक्शन में 20, 30 एम रिवर्स डायरेक्शन में करता हूँ और लेंथ 2 को देता हूँ मैं 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मेरे पास सॉलिड है और मेरे पास एक स्प्लिटिंग सरफेस है जो कि कैविटी अपनी इसी सरफेस से जनरेट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोर को डिफाइन कर देता हूँ और डिफाइन करने के बाद मेरे पास ये सरफेस बेस फीचर्स हैं। इसके अंदर मेरे पास स्प्लिट कमांड है, स्प्लिट कमांड पे क्लिक करता हूँ और मेरे से पूछता है स्प्लिटिंग एलिमेंट। मैंने सरफेस सेलेक्ट किया और डायरेक्शन नीचे की तरफ रखी, ओके किया, देन मैंने कैविटी सॉरी कोर उल्टा हो गया दोस्तों मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मैंने इसको नाम इसको कोर में लेना चाहिए था, मैंने कैविटी में ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको रीनेम कर सकते हैं। कोर पार्टिंग सरफेस, इसको कैविटी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर कोर वाले सरफेस को अगर मैं हाइड करता हूँ, कोर पार्टिंग सरफेस को अगर मैं हाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कोर, जो अपना जंक्शन बॉक्स का कोर जो बना था वो अपने पास यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब आती है बारी कैविटी पार्टिंग सरफेस बनाने की, इसको डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के बाद कोर को हाइड कर लेना आप, क्योंकि अभी इसका काम खत्म हो गया है। जंक्शन बॉक्स को एक बार और शो कराना पड़ेगा और वापस से जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाने के बाद वापस से एक्सट्रैक्ट कमांड यूज़ करना है और एक्सट्रैक्ट कमांड आप टेंजेंट कंटिन्यूटी पे करना। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो होल्स हैं जो अपन जब बॉक्स अपना मोल्ड से जब निकलेगा तब ये होल्स उसमें जो डायरेक्शन रहेगी अपनी पुलिंग डायरेक्शन अपनी रहेगी एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में अगर पुलिंग डायरेक्शन रहेगी तो ये होल्स उस टाइम मोल्ड के अंदर नहीं बन पाएंगे। तो ये अपन जब प्रोडक्ट बन जाएगा अपना उसके बाद हम ये होल उसमें कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। तो स्किप करने के लिए मैं इनको सिलेक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो सिलेक्शन नहीं दिया मैंने इनको तो सरफेस वहाँ पे जनरेट नहीं होगी। तो मुझे सरफेस वहाँ पे जनरेट नहीं हो रही तो मुझे वो किसी तरीके से वो फिल तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया, बॉडी 2 को मैंने हाइड किया और फिल कमांड मैंने यूज़ किया। फिल कमांड से मैं एक एक को फिल करता हुआ चलता हूँ। क्लोज्ड है अपना पूरा कर्व तो वो क्लोज सरफेस बना देगा। अब पूरे को सिलेक्ट करके मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन में क्या होता है कि वो जो सिंगल सिंगल जो सरफेसेस थी वो सबको ज्वाइन कर देगा एक साथ। अब क्या होता है कि मुझे सॉलिड को स्प्लिट करने के लिए मुझे एक सरफेस एक्सट्रैक्ट करानी पड़ेगी, तो मेरे पास मल्टीपल एक्सट्रैक्ट है। मैंने एक कर्व एक्सट्रैक्ट करा लिया और एक बार ज़रा मैं अपना मोल्डेड पार्ट को ज़रा मैं शो करा लेता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्केच जनरेट कर लेता हूँ जिसका मैं डायमेंशन दे दे रहा हूँ 300। मैं 220 ठीक है।
मैं अब इसको ब्लेंड कर लेता हूँ, दो कर्व्स को, ये और इसको सेलेक्ट किया। अभी देखना कि यहाँ पर भी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन इस कॉर्नर पे आ रही है और इसकी डायरेक्शन इस कॉर्नर पे आ रही है, तो उसको रिप्लेस करके इस पॉइंट पे लाके रखा, प्रीव्यू किया, ओके कर दिया। देन स्केचेस को हाइड कर लिया, ठीक है। फिर ज्वाइन कर लेते हैं सरफेसेस को ताकि वो एक बन पाए, और मेरा मोल्डेड पार्ट है उसको मैं हाइड कर लेता हूँ, और उसके बाद कोर वाला जो पार्ट था तो 300 की जगह हम रखते हैं इसे 285। थोड़ा छोटा होना चाहिए सरफेस से, मतलब सरफेस सॉलिड से बाहर निकली होनी चाहिए, अंदर रहेगी तो वो स्प्लिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं एक और बॉडी जिसका नाम होगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, कैविटी, प्लेन सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, इसी शेप का रहेगा तो इसी को प्रोजेक्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास सेम रेक्टेंगल आ जाएगा। और सेम रेक्टेंगल आने के बाद, सॉरी, पार्ट डिजाइन पे जाइए, सेम रेक्टेंगल आने के बाद आपको करना क्या है, पैड कर लेना है, मैं इसको 90 mm पे पैड कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बॉडी जो कैविटी है इसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करने के बाद इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए मेरे पास स्प्लिटिंग एलिमेंट या स्प्लिटिंग सरफेस मेरे पास जो है कैविटी की, वो है ये। प्रीव्यू करके देखते हैं और कोर को हाइड कर लेते हैं, और जो सरफेस थी कैविटी की उसको भी हाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास जो कोर जो बन के आया है, सॉरी, कैविटी जो बन के आई है, वो कैविटी हमारे पास ये रही, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको 50% पे रखते हैं, कोर को शो कराते हैं, और इसको डायरेक्शन देते हैं अपन, डाई डायरेक्शन, जो कि होगी अपनी एक्स, इस डायरेक्शन से ही अपन इसको पुल करेंगे ना, तो इसलिए अपन डायरेक्शन हमारी यही रहेगी। तो इसको ऑन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को हाइड कर लेते हैं, कैविटी पार्टिंग लाइन को भी, सॉरी, ठीक है, कैविटी वाली सरफेस को हाइड कर लीजिए। डायरेक्शन है, डायरेक्शन लाइन को भी अपन एक कलर दे देते हैं, अब अगर मैं कैविटी को पुल करता हूँ एक्स डायरेक्शन से, एंड देन मैं कोर को पुल करता हूँ एक्स डायरेक्शन से, मेरे पास जो कोर और कैविटी जो बन के आएगी वो रही मेरे पास ये। एक बार दोस्तों इसका ड्राफ्ट एनालिसिस कर लेते हैं, देख लीजिए कहीं पे भी
एक बार इसका कर लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी, तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि कोर और कैविटी कैसे डिज़ाइन करी जाती है। इसका एक अलग से वर्क बेंच है, कोर एंड कैविटी डिज़ाइन। मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट डिज़ाइन में ही बना के एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है कि बन कैसे सकता है आपका मोल्ड, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।